नमस्कार, आज मेरे साथ है जानी मानी पत्रकार कल्पना शर्मा। कल्पना शर्मा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली की कंसल्टिंग एडिटर है। द हिंदू में कई साल तक उन्होंने डेप्यूटी एडिटर के पद पर काम किया है और नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया, ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी वो फाउंडिंग मेंबर भी रही है। उन्होंने मीडिया में काम करने वाली महिलाओं के बारे में और जेंडर इश्यूज के बारे में कुछ किताबें भी लिखी है। कल्पना जी, स्वागत आपका न्यूज क्लिक में और इस प्रोग्राम में। मैं अपने इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहता हूँ मी टू मूवमेंट से। पिछले दो हफ्ते से इस देश में मी टू का तूफान आया है और एक मंत्री एमजे अकबर को कल इस्तीफा भी देना पड़ा। क्या कहना चाहती है आप इस मूवमेंट के बारे में? देखिए, ये कभी तो होना ही, मुझे तो लगता है कि ये जैसे पेंट अप, जैसे डैम होता है जो बर्स्ट होने वाला है, वैसी सिचुएशन थी। क्योंकि बहुत महिलाएं, बहुत पत्रकार बहुत सालों से फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि हमारे न्यूज रूम्स में जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे उनका एटीट्यूड होता है औरतों के तरफ, उसका कुछ कर नहीं सकती थी। बोलती थी एक दूसरे के साथ पर उससे क्या करें वो समझती नहीं थी। अभी सोशल मीडिया आ गया, वो एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी हैज ओपनड अप कि ये औरतें कह सकती हैं कि ये सब हमारे साथ हो रहा था। तो मुझे लगता है ये टाइम है जो हुआ है। लोग डिसएग्री करते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मुझे लगता है वो सब रेलेवेंट नहीं है। बात ये है कि ये सचमुच लोगों के, महिलाओं के एक्सपीरियंस थे और अब सबको पता चल गया है और बहुत अच्छा हुआ है कि ये सब बाहर निकला। आपको लगता है महिला आंदोलन इससे आगे जाएगा? आगे जाएगा, उस पर बहुत चीजें, कम से कम महिलाएं बोलने लगेंगी। एक तो बहुत अच्छा हुआ है कि महिला डरती नहीं है कि बोलने लगी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग सुन रहे हैं। अब जो पीछे आप देखिए, जो 20-30 साल बाद, तभी भी महिलाओं ने बोला था इसके बारे में, हरासमेंट के बारे में, पर उनको कोई सुनता नहीं था और कायदा भी नहीं था, कोई लॉ भी नहीं था। पर अब जो महिलाएं बोल रही हैं उनका सब सुन रहे हैं, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पर मुझे लगता है उसको मूवमेंट बनाना, बोलना जरा एग्जैजरेटेड है। मैं तो मूवमेंट नहीं करना, कहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये मी टू मोमेंट है, मोमेंट है, हाँ, एक क्षण है, हाँ, अभी क्षण हुआ है, अभी आगे कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर बहुत। ओके, नाउ दिस इज अ मोमेंट, इट विल कन्वर्ट इनटू मूवमेंट, इट कुड कन्वर्ट इनटू मूवमेंट। आपने कहा कि बहुत सालों से न्यूज रूम्स में ये चलता आया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात जो है, यौन शोषण की जो बात है, वो न्यूज रूम में चलती आई है। आपने 1972 से लेकर आज तक पत्रकारिता में काम किया है, मीडिया में काम किया। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं बहुत सालों से चलता आया है, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी, कितनी भी हम सोचते हैं प्रोग्रेस हो गया है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो गया है, लड़कियों का एजुकेशन हो गया है, अभी मीडिया में ही देखे कितनी औरतें हैं। जब मैंने शुरू किया था 72 यहाँ पे बॉम्बे में, हम तो गिन सकते थे हम कितनी महिला पत्रकार हैं, बहुत कम, बहुत ही कम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ तो 2 या 3 मिलती थी, और वो अभी तक मैं जानती हूँ उन लोगों को। तो ये तो बहुत चेंज हो गया है, पर सोसाइटी का माइंडसेट, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुरुषों का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। क्योंकि मीडिया के बारे में बात करें तो वो तो ऑल मेल बैस्टियन था, माने सब पुरुष ही थे, और जो औरतें ज्वाइन करती थी ज्यादातर उन्हें डेस्क पे काम करने को भेजते थे या फीचर्स में भेजते थे, रिपोर्टिंग के लिए नहीं। रिपोर्टिंग में बहुत लड़ना पड़ता था, और वो भी रिपोर्टिंग में मिला भी तो सॉफ्ट बीट्स देते थे, वुमेन एंड चाइल्ड, हेल्थ या लाइफस्टाइल या फैशन या सिनेमा, वो सब। अगर हम पॉलिटिक्स करना चाहते थे या डिफेंस करना चाहते या स्पोर्ट्स करना चाहते थे, बहुत लड़ना पड़ा, और बहुत महिला जर्नलिस्ट ने लड़े हैं और अभी तो बहुत इन फील्ड्स में है। पर जब मैंने कहा कि माइंडसेट नहीं चेंज हुआ, जैसे मैं जब इंडियन एक्सप्रेस में थी तो रात की शिफ्ट में कोई औरतें नहीं थी वो डेस्क पे। ये कब की बात है? 80s में, इंडियन एक्सप्रेस यहाँ बॉम्बे में, और मैं एक्सप्रेस मैगजीन, जो संडे मैगजीन थी, उसकी एडिटर थी। तो मेरे स्टाफ सब औरतें थी,
सब एडिटर्स बिकॉज इट वॉज अ संडे मैगजीन मैगजीन सेक्शन पर हम हफ्ते में एक दिन बहुत लेट हमें रहना पड़ता था बिकॉज लॉकअप करना पड़ता था पेज क्लियर करना पड़ता था और काफी टाइम 11:30 तक पूरे न्यूज रूम में एक भी महिला नहीं दिखती थी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s 85 से एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम जब आते थे तो हम जल्दी आते थे तो एक्चुअली साफ सफाई तभी शुरू होती थी और जो नाइट शिफ्ट के पुरुष थे वो तो वहीं पे डेस्क के ऊपर कागज फैला के सो जाते थे और जो हमारी पानी की बॉटलें होती थी जिसमें पानी हमें मिलता था वो हमेशा रम की बॉटल्स होती थी तो यही मैं कह रही हूँ कि पुरुषों को बहुत कंफर्टेबल था कि कोई महिला नहीं है तो वो कुछ भी कर सकते थे जब ये इक्वेशन चेंज हो गया तो उनको भी डिस्कम्फर्ट हो गया है कि अभी महिलाएं हैं पर उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए कैसे यू हाउ शुड यू बिहेव इन अ मिक्स्ड न्यूज रूम मुझे लगता है ज्यादातर पुरुषों को अभी तक ये पता नहीं चला तो पर्सनल कॉमेंट्स हम सब ट्रेन होके आते हैं जर्नलिज्म में सेम ट्रेनिंग सेम कॉलेजेस में जाते हैं फिर हम जब न्यूज रूम में आते हैं फिर व्हाई आर यू रिड्यूसिंग मी टू बीइंग अ वुमन मैं थोड़ी पर्सनल कॉमेंट करती हूँ आदमियों को तुमने अच्छा शर्ट पहना है पर हमेशा जब औरत कभी अच्छा ड्रेस करके आएगी तो कॉमेंट करेंगे वो तो एक्चुअली हार्मलेस है स्केल पे उसके बाद में अभी तो मैंने सुना है कि और बहुत होता है जो कि हमारे टाइम में नहीं होता था पर उसलिए क्योंकि हम बहुत कम थे और ज्यादातर पुरुष ही थे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कह रही है कि आस्ते आस्ते न्यूज रूम जो है वो बदल गई महिलाएं आने लगी कब से बदला है एक्चुअली 90s से शुरू हुआ 90s हाँ, और प्रिंट मीडिया में तो एक्चुअली आयरोनिकली इनफ आज के बारे में हम बात कर रहे हैं दो एडिटर्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए एक थे खुशवंत सिंह जिन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत महिला रिपोर्टर्स को हायर किया एक साल सडनली वो कह रहे थे कि न्यूज रूम उनका रिपोर्टर्स रूम 50% वेमेन रिपोर्टर्स हो गया और दूसरे अकबर एम जे अकबर ने बहुत रिक्रूट किया औरतों को अभी भी जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं वो उन सब ने शुरू किया एम जे अकबर के टेलीग्राफ के साथ तो ये दो एडिटर्स थे जिन्होंने रिक्रूट किया था हिंदू में मैं जब थी जब मैंने ज्वाइन किया 90 में तो मैं पहली महिला पत्रकार थी बॉम्बे के ब्यूरो में तब तक कोई महिला पत्रकार बॉम्बे के ब्यूरो में हिंदू में नहीं थी आप पहली थी टॉयलेट भी नहीं था ओके एंड जो मद्रास में ऑफिस था हेड ऑफिस उसमें भी डेस्क पे ही थी रिपोर्टिंग में मुझे लगता है तब एक थी शायद तो आपको बहुत मुश्किल हुई उस वक्त मुश्किल झेलनी पड़ी होगी एक्चुअली ब्यूरो था उसलिए इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि हम जाके कभी फाइल करते थे और पर हेड ऑफिस में मैं वो जो महिलाएं थी उनको तो बहुत प्रॉब्लम क्योंकि उनको 6 बजे जाना ही पड़ता था तो प्रोग्रेस का चांस ही नहीं मिलता था क्योंकि रात के शिफ्ट में उनको अलाउ ही नहीं करते थे कहते थे आप घर कैसे पहुंचेंगे तो अगर महिला पत्रकारों को काम करना है तो दिन में करना है हाँ। लेट रात नहीं करना है हाँ। लेट रात घर में रहना है हाँ। घर संभालना है फैमिली संभालना है हाँ। ये पूरी जो मेंटेलिटी है हाँ। पुरुषों की मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम जर्नलिज्म में हैं पत्रकार है हाँ। पत्रकार ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए ऐसा हम कहते हाँ। फिर भी ये क्यों था देखिए हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि मीडिया इज पीपल्ड बाय पीपल इन इंडिया जो हमारा सोशलाइजेशन आपका कहना है मीडिया लोगों का ही रिफ्लेक्शन है और जो सोशलाइजेशन होता है हमारा वो ही सोशलाइजेशन लेके हम मीडिया में आते हैं ना अब देखिए अब जो हम 70s वगैरह में जब मीडिया में आए हम सब हमारा सोशलाइज्म 60s में था जबकि बहुत रेवोल्यूशनरी फॉरवर्ड था जवान लोगों में या तो जेपी मूवमेंट का था या नक्सल का था तब गांधीयन भी था सोशलिज्म भी था सब हम सब आए थे कुछ आइडियलिज्म के साथ एंड उसके साथ हम मीडिया में एंटर हुए तो दैट वाज आवर सोशलाइजेशन वो वैल्यूज हम लाए अपने साथ अब 90s में कंज्यूमरिज्म वैल्यूज है कंज्यूमरिज्म ने औरतों को भी कमोडिफाई कर दिया है ज्यादा ज्यादा तो पर एट द सेम टाइम जो अभी जनरेशन है लड़कियों की वो समझ गई है उनके राइट्स क्या है जब मैं कभी कभी सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को तो मैं पूछती हूँ आप क्या समझते हैं लड़कियों को पूछती हूँ आप क्या समझते हैं फेमिनिज्म क्या है उनका आंसर एकदम स्ट्रेट होता है कि औरतों और मर्दों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए जस्टिस मिलना चाहिए तो किसी को सिखाना नहीं पड़ा उन्हें तो वो तो इवॉल्व होके आई हैं न्यूज रूम में और वो लड़के आई हैं अपनी फैमिलीज के साथ कि हमें यही काम करना है मर्दों को ये सब लड़ना नहीं पड़ता उनको तो नौकरी चाहिए और अभी मीडिया में तो पैसा भी अच्छा मिलता है तो कम उसका भी कम
झगड़ा करना पड़ता है, तो पर उनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, और ये क्लैश सोसाइटल का भी माइंडसेट चेंज, ये सोसाइटल क्लैश हो रहा है हमारे न्यूज रूम से में देख रहे हैं, वो दूसरे वर्क प्लेसेस में देख रहे हैं, ये सोसाइटल क्लैश है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये महिलाएं हैं, ये आपके जैसे ही प्रोफेशनल हैं, ये आपकी इक्वल हैं, इनके जो आपके राइट्स हैं उनकी राइट्स हैं, एंड एक्सीडेंटल है कि ये महिला है और ये मर्द है। आपका जॉब आप जर्नलिस्ट, आप ये कह रहे हैं पत्रकार बनने से भी पुरुषों की मानसिकता नहीं बदलती, मुझे लगता है, आई मीन जनरलाइज नहीं कर सकते। आपको क्या झेलना पड़ा जब आप 72 से 90 तक, आप कह रहे हैं 90 के बाद ज्यादा महिलाएं आने लगी न्यूज़ रूम में, आपको 18 साल में क्या झेलना पड़ा उसके पहले से, 90 उसके पहले, 90s के पहले, वही तो मैं कह रही थी, हम तो बहुत कम थे औरतें, और रिपोर्टिंग में तो हैंडफुल थे, तो मैं तो लकी थी कि मैं एक छोटे अखबार के साथ मैंने शुरू किया हिम्मत में, जिसमें हमें सब कुछ करना पड़ता था, सब एडिटिंग करनी पड़ती थी, पेज मेकअप किया था मैंने, रिपोर्टिंग किया था, एडिटोरियल भी लिखा था, तो मुझे सब एक्सपीरियंस आ गया। पर जो दूसरे जो कि अखबारों में थे, वो एक दो उन्होंने, उनके एक्सपीरियंस से मैं सुनती हूँ कि उन्हें बहुत लड़ना पड़ा कि वो रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, और काफी फेल हो गए, उनको संडे मैगजीन सेक्शन में माने लिख सकते थे पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते थे। और ये सब जब 90s में चेंज हुआ, तब तक हम भी सीनियर हो गए थे प्रोफेशन में। एंड एज फार एज सेक्सुअल हैरेसमेंट इज कंसर्न, देखिए अब ये जब बात हो रही है, तब हम सब ने सोचा है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या था, तो मुझे भी ऐसे कभी कभी जो जिनको इंटरव्यू करने जाती थी, तो वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर उस समय कोई क्या बोले, मुझे तो इंटरव्यू करना है, तो मैं जरा स्माइल करके वो पटाके चलती थी, पर बाद में मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर किससे बात करूं मैं, क्योंकि मेरे साथ में भी कोई दूसरी महिला रिपोर्टर नहीं है जिससे बात कर सकते, हमारी कम्युनिटी नहीं थी महिला रिपोर्टर्स की, कोई नेटवर्क नहीं था, कोई नहीं था, तो उस वक्त भी गलत गलत सवाल आते थे, लेकिन आपको इग्नोर करने पड़ते थे। और मैं कहती, हम सब कहते थे ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, क्योंकि हम कम लोग, कम महिलाएं हैं मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में, उसमें ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, पर तभी भी गुस्सा तो आता था कि क्या चल रहा है, क्यों क्यों मेरे ऊपर ऐसे बोल रहे हैं ये लोग, तो नोबडी लाइक अटैक मी, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, पर बातों से तो ऑलवेज ट्राइंग टू रिड्यूस यू टू द पर्सनल, एंड कितने लोगों से, ब्यूरोक्रेट से बात करो, कोई पॉलिटिशियन से बात करो, कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट के बारे में किसी से मिल रहे हो वो बात कर रहे हैं, अब मैं प्रोफेशनली पूछ रही हूँ क्वेश्चंस और वो ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो 70s 80s किस टाइप के क्वेश्चन पूछते थे? नहीं, सपोज मैं एक ब्यूरोक्रेट को दो तीन बार मुझे मिलना पड़ा कोई पॉलिसी के बारे में, तो कहे फर्स्ट टाइम से ठीक है, सेकेंड टाइम पूछेगा अच्छा शादी हुई कि नहीं, थर्ड टाइम कहेगा आज बहुत सुंदर दिख रही हो, तुमने बिंदी लगाई है, क्या जरूरत है ये सब बोलने की, क्यों बोलना चाहिए, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं इंटरव्यू करने आई हूँ, पर उस समय हमें सिचुएशन में डालते हैं, अनइक्वल सिचुएशन में, क्योंकि हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि आपने क्यों कहा या मैं आपसे बात नहीं करने करूंगी, करना ही पड़ता है, मजबूरी है, इंटरव्यू लेना है, इंफॉर्मेशन लेना है उनसे, तो महिलाओं को बहुत ऐसे डे टू डे बेसिस पे तो बहुत चलता है। आई थिंक लिमिट जब आ जाता है, जब आपके वर्क प्लेस में कोई आपका सीनियर है जो आपको ऐसे, जैसे अकबर की जो स्टोरीज आई हैं, कि वो प्रेडेटरी बन जाता है, आपके पीछे पड़ जाता है, फिर एक डेस्परेशन हो जाता है कि क्या हो रहा है और मेरे ऊपर क्यों, ये दूसरी बात है कि काफ़ी पहले दिनों में हम इंटरनलाइज कर लेते थे, मैं सोचती थी क्या मैंने कुछ गलती की कि मैंने उनको ऐसे प्रोवोक किया कि उन्होंने मुझे कॉमेंट किया, क्योंकि हमें फेमिनिज्म तब पूरा उसका पता नहीं था। आज लड़कियों को तो ये प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जानती हैं क्यों पुरुष लोग ऐसे बोलते हैं, एंड सो इंटरनलाइज नहीं करते, तो उनको तो बहुत, जब मैं अब यंगर जर्नलिस्ट से बात कर रही हूँ, तो मैंने जेन्युइनली ट्राई, मैंने कोशिश की समझने के लिए कि उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों आता है, तो इसीलिए क्योंकि अब वो टॉलरेट नहीं करना चाहते, हमने बहुत टॉलरेट किया, हमने गलती की है कितना टॉलरेट किया, पर अब वो संघर्ष करना चाहते, अब तो वो कहते हैं कि कुछ भी हो हम कन्फ्रंट करेंगे, हम सहन नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, और उनको ऑप्शंस भी बहुत है, ये दूसरी चीज बदल गई है, क्योंकि हम जब जर्नलिज्म में थे तो अखबार ही थे और थोड़े अखबार थे, तो ऐसे नहीं था कि हम ऐसे काम छोड़ के कोई और, मिडिल क्लास फैमिली के हैं वो तो नहीं कर सकते थे ना, अभी नौकरी के ऑप्शन, अभी नौकरी के ऑप्शन है, अभी डिजिटल है, अभी टेलीविजन है, काफी चीजें हैं। आपने जिक्र किया खुशवंत सिंह और अकबर का, हाँ, इन दोनों ने महिलाओं को पहली बार सबसे ज्यादा नौकरियां दी, हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि
इसके पीछे कोई सोच विचार था या ऐसे ही किया? सी, अकबर का मुझे पता नहीं, पर खुशवंत सिंह का मैंने सुना कि जब उन्होंने रिपोर्टिंग के लिए एडवर्टाइजिंग दी रिपोर्टर्स के लिए, तो इतनी महिलाओं ने अप्लाई किया और बेस्ट चॉइस महिलाओं का था, देयर नो ऑप्शन. तो इट्स नॉट एज इफ उन्होंने पॉलिसी बनाई कि वो और औरतों के लेंगे, बट जस्ट हैपेंड कि द ब्राइटेस्ट अमंग्स दोज हु अप्लाइड वर विमेन. तो ओवरनाइट वो बदल गया. क्या फर्क हुआ, बदलने से क्या फर्क हुआ? मानो कि हिंदुस्तान टाइम्स में 50% महिला आ गई, महिला रिपोर्टर आ गई, फर्क क्या हुआ? आई थिंक फर्क ये पड़ता है कि क्या होता है जब महिलाएं आती हैं, दे ब्रेक इनटू एन एरिया वेयर दे हैवंट बीन एबल टू ब्रेक इनटू, तो दे आर मच मोर हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करती हैं. उनको पता चल जाता है बहुत जल्दी कि उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो कुछ भी बीट कर सकती हैं. तो जो अगर मैं चीफ रिपोर्टर हूँ तो मुझे पता है कि ये रिपोर्टर अगर मैं इनको इसको ये असाइनमेंट दूँ तो वो सिंसियरली करेगी या करेगा, तो मैं उसी को पिक करूँगी. तो यही हुआ एक्चुअली, चीफ रिपोर्टर्स, न्यूज़ एडिटर्स, उनको भी पता चल गया कि ये लड़कियाँ बहुत काम करेंगी और सिंसियरली करेंगी, क्योंकि उनको दिखाना है, प्रूव करना है. और इससे थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, बिकॉज अदरवाइज यू कुड बी कंप्लेसेंट. और दूसरा है कि बाइलाइन कल्चर भी आ गया 90s में. अब पहले बाइलाइन नहीं थे. अब 92-93 में मैंने ये मुंबई के जो रायट्स है वो कवर किए हिंदू के लिए, मुझे एक भी बाइलाइन नहीं मिली. उसके बाद आ गया बाइलाइन कल्चर. तो बाइलाइन कल्चर आ गया, उनको रिकग्निशन भी मिलने लगा, तो पीपल बिगैन नोटिसिंग कि इतनी महिलाएं हैं और इतना अच्छा रिपोर्टिंग कर रही हैं. तो उससे ग्रेजुअली, बट इट वॉज ईजी, किसी के लिए भी ईजी नहीं था. मैं जानती हूँ काफी रिपोर्टर्स जो कि तब उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन किया, और तभी भी डे टू डे बैटल्स होते थे कि हमें यही कवर करना है, करना है, करके दिखाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करते थे पहले, तभी भी, जब भी इतने रिपोर्टर्स. लेकिन आपको लगता है खुशवंत सिंह ने ये किया, हाँ, सोच विचार करके किया. हम आते हैं अकबर के मामले पर. हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अकबर तो बड़े एडिटर थे, कामयाब भी एडिटर थे, संडे जब से शुरू हुआ 75-76 के बाद, हाँ, और जब तक वो पहली बार सांसद नहीं बने थे, एमपी नहीं बने थे 85, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर, हाँ, बन गए तब तक, हाँ, पहले 10 साल में क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, आप कैसे एनालाइज करेंगी? क्योंकि देखो, अकबर पहले एडिटर थे, बाद में वो सांसद भी बन गए, हाँ, तो एक पावर पोजिशन डबल हो गई, हाँ, तो क्या, और फिर उसके बाद एशियन एज उन्होंने शुरू किया, एशियन एज बाद में शुरू हुआ, और आज जो घटनाएं सामने आ रही है ज्यादा एशियन एज की, एशियन एज की है. 30-35 महिलाएं अगर बोल रही है तो मेरे समझ में ये बात नहीं आती, इतने साल पत्रकारिता में गुजारने के बाद, कि एक संपादक 30-35 महिलाओं के साथ इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सकता है, तो आप कैसे देखती है इसके ऊपर? अगेन, मुझे उनका पर्सनल कोई अक्वेंटेंस नहीं है अकबर का, तो मैं बोल नहीं सकती, पर एनालाइज मैं ये करूंगी कि जब उन्होंने संडे और टेलीग्राफ शुरू किया तो वो भी 30s में थे, आई थिंक लेट 20s में, उनको भी प्रूव करना था और एकदम नई टीम थी उनकी, तो उसी में टाइम था उनका. तो प्रूफ उन्होंने कब किया, जबकि सक्सेसफुल हो गया संडे और टेलीग्राफ, उसके पहले तो कौन जानता था ये जय अकबर, तो उसका फेम तो तभी बना, तो 70s, लेटर पार्ट ऑफ द 70s अर्ली 80s में उनका नाम बना, और उसके बाद में वो पॉलिटिक्स में चले गए. जब पॉलिटिक्स से वापस आए, एशियन एज तो एक्चुअली उसके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस थे, ये एशियन एज कौन सा, किसने पैसा दिया है, ये कैसा ये पेपर बना है, लंडन एडिशन कैसे वो खोल रहे हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं थे, तो और अकबर एडिटर थे, पता नहीं क्या अरेंजमेंट था, लोगों को सैलरी अच्छी मिल रही थी जो जिन्होंने ज्वाइन किया, सो दे वर एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट फ्रॉम एवरीवेयर. तो आई डोंट नो कि उसके बाद वो उनको इतना पावर का टेस्ट आ गया कि उनको लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मे बी वो जर्नलिज्म का जो था पहले वो उतना नहीं रहा, वो नहीं रहा. पर अगेन स्पेकुलेशन, क्योंकि मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, मैं तो मिली भी नहीं, एक दो बार ही मिली हूँ. लेकिन ये जो कहानियां हम सुन रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की, इतनी सारी महिला पत्रकार बता रही है और काफी सीरियस भी है, इसके बाद अकबर के किस्से के बाद हम लोगों को कुछ रूल्स बनाने चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, हाँ, या टीवी चैनल में इंटरव्यू होते हैं, फाइव स्टार होटल में होते हैं, आप फाइव स्टार होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में ले तो ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी जहां रहते हैं उसी रूम में भी करते हैं, हाँ,
तो अकबर पे मामले में आप देखिए, अकबर लड़कियों को बुलाते थे अपने रूम में, वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत। तो आपको लगता है कुछ नियम सभी मीडिया हाउसेस को बनाने चाहिए? ऑफकोर्स, एक तो इंटरव्यू का ऑब्वियस है, इंटरव्यू शुड बी इन द ऑफिस एक्चुअली। और अगर आप दूसरे शहर में जाते हैं, आजकल तो को शेयर, कितने लोग ऐसे करते हैं, को शेयर वर्किंग स्पेसेस है, वहाँ पे रेंट कर दीजिए और वहाँ पे इंटरव्यू रखती है। प्रोफेशनल होना चाहिए, ये क्यों ऐसे इनफॉर्मल इंटरव्यूज, एंड इट शुड बी मोर देन वन पर्सन। एडिटर अलोन क्यों होना चाहिए, एडिटर के साथ कोई और सीनियर पर्सन होना चाहिए, दो लोग तो होने चाहिए इंटरव्यू के लिए। दूसरी बात है, बेसिक थिंग अभी लॉ बन गया है 2013 से, और काफी मीडिया हाउसेस ने उसके पहले जो विशाखा गाइडलाइंस थे फॉलो नहीं किए थे, विशाखा कमेटी नहीं थी, कमी थी, नहीं थी, पर अब तो अभी भी बनी है, पर अभी भी उन्होंने फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं की है। डेटा नहीं है किसी के पास, क्योंकि किसी ने अभी कंप्लायंस का देखा नहीं है, पर हमें पता चलता है जब हमने महिला पत्रकारों से बात किया है कि जैसे कि आउटसाइड का कोई होना चाहिए, लॉयर होना चाहिए, एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव, वो सब नहीं है। और तो विशाखा कमेटी मैनेजमेंट अपने आप नहीं बना सकती, अपने आप नहीं बना रही ठीक से, बनाना नहीं, अपने आप अपने ही लोग नहीं, नहीं बढ़ सकते, अपने ही लोग नहीं बढ़ सकते, हैज टू बी आउटसाइडर विद अ लॉ नॉलेज ऑफ द लॉ, उसको कानून का इंडिपेंडेंट व्यक्ति चाहिए, इंडिपेंडेंट व्यक्ति एक तो चाहिए, दो चाहिए, एंड 50% एंड मोर शुड बी वुमेन इन द कमिटी। पर मोर इम्पोर्टेंट कि वो भी बन जाए तो फिर आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, वो अपने एम्प्लॉयज को एक बार नहीं हर साल बताना पड़ेगा, उसका ट्रेनिंग देना चाहिए। जब न्यू एम्प्लॉय होता है उनको, या बुकलेट या कोई ट्रेनिंग सेशन पे जाना चाहिए कि उनको समझ जाए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, और अगर आप करेंगे तो उसका क्या आउटकम होगा लॉ के हिसाब से। सभी एम्प्लॉयज को पता चलना चाहिए कि ये ICC है और कैसे हम अप्रोच करें, मेल भेजना है, पर्सनली अप्रोच करना है, क्या ये सब किसी ने भी किया नहीं, तो मैनेजमेंट आज भी नहीं करती। अब मुझे तो नहीं लगता, शायद एक्सेप्शन, बहुत सारे मैनेजमेंट नहीं करती, ये तो सच है। दो तीन पेपर्स हैं जिन्होंने एक्टिवली किया है, पर ज्यादा तक नहीं है। जो ये फॉरेन न्यूज एजेंसीज हैं जैसे रॉयटर्स वगैरह, उनमें तो बहुत कड़क पॉलिसी है उसके बारे में, और अगर आप कोई भी रॉयटर्स के साथ किसी ने भी काम किया है, उनको ये एनुअली करना पड़ता है ये कोर्स। और यूनिवर्सिटीज में अगर आप बाहर जाएं कहीं भी अमेरिका में और टीचिंग करें, वहां पे भी जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको ऑनलाइन कोर्स करना पड़ता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ऑनलाइन कोर्स करना पड़ता है कि, और उनको पता चलता है कि आपने किया कि नहीं, इट्स मॉनिटर्ड कोर्स। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं है ना, मीडिया हाउसेस में नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअली आप कायदा बनाते हैं और कायदा इम्प्लीमेंट करना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो अभी जब ये सब हुआ है, मुझे लगता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी जर्नलिस्ट, उन्होंने प्रेशर करना चाहिए अपने एम्प्लॉयर्स को कि आप बनाइए, हम चाहते हैं कि ये बने, वी वांट टू नो हु इज ऑन इट, कमिटी बने, कमिटी बने, और हमें चाहिए कि ये एजुकेशन मिले हमें, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, इसको पत्रकारों को इसका दबाव बनना चाहिए। बिल्कुल, और अभी तो इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया में ही बात चल रही है, मुझे लगता है इंडियन लैंग्वेज मीडिया में तो हिंदी मराठी अभी कुछ चर्चा भी नहीं, कुछ चर्चा नहीं है। वहाँ की जो पत्रकारें हैं, विमेन जर्नलिस्ट हैं, जो उन्होंने हमें स्टोरीज बताई हैं, दे आर मच वर्स, यस, मच वर्स। हिंदी चैनल में या जो अलग अलग भाषाओं में चैनल में तो दूसरी बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत स्थिति है खराब। तो आपको क्या लगता है, ये जो मीटू जो आप मूवमेंट कहते हैं जिसको, इसके ऊपर आरोप लग रहा है कि अभी तक ये बड़े शहरों में है, ये जो इंग्लिश एजुकेटेड महिला है वही चला रही है, आपने अभी कहा ये मूवमेंट अभी नीचे नहीं आई है, तो आप आगे कैसे देखती है, ये अभी जो बड़े शहरों में है इंग्लिश एजुकेटेड महिला इसमें बोल रही है, आगे क्या होगा? सो आगे हमारी जिम्मेदारी है, जिन्होंने जो मीटू मूवमेंट में अभी इन्वॉल्व है, कि वो आगे ले जाए। अभी हमारा एक नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया है जो हमने 2002 से शुरू किया, और उसमें 600 के करीब महिला पत्रकार इस नेटवर्क में है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रजिस्टर्ड वगैरह नहीं है, पर जो है वो ओनरशिप लेते हैं, माने वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और ज़्यादातर इसमें नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पत्रकार हैं। सो केरला से, तमिलनाडु से, आंध्रा तेलंगाना से बहुत हैं, हिंदी इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी हैं,
तो ये सब कह रही है कि अब हमें खबर ले रही है हमारे साथ में कितनी बार हमारे कॉन्फ्रेंसेस में आती है, नवोदयम करके एक ग्रुप है रूरल जर्नलिस्ट का आंध्रा में, वो भी हमारे एनुअल कॉन्फ्रेंस में हमेशा आती है, तो वो अभी बोलने लगी है इनके बारे में और वो हमें भी अपील कर रहे हैं कि आप देखिए अभी ये कैसे आगे बढ़ाएं ताकि वहां तक पहुंचे। तो एक्चुअली मुझे नहीं लगता ये एलीट और ये सब इशू इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण ये है कि ये शुरू हो गया है और ये जरूरी है कि जो जिन्होंने शुरू किया वो मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि ये आगे बढ़ाएं। आपको लगता है ये आगे जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए? नीचे जाना और सभी परकुलेट होना चाहिए। सभी मानते हैं जो ये तीन चार जवान पत्रकार हैं जिन्होंने शुरू किया है संध्या मेनन वगैरह, वो सब जानते हैं और वो सब मानते भी हैं कि ये करना पड़ेगा। तो आपका जो नेटवर्क है ये जो कह रहे आप नेटवर्क है महिलाओं का 2016 साल हो गए, तो ये इसमें कुछ लीड लेने वाला है या नहीं? ये प्लानिंग कर चल रही है और अभी भी हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, तो अभी स्लोली वो स्टोरीज भी आने लगी हैं और हम देख रहे हैं कि हम कैसे सपोर्ट करें उन्हें। जब मलयालम मीडिया में से पहले से हुआ है, हमने पहले से सपोर्ट किया है, तमिल मीडिया में भी एक सन टीवी में एक महिला पत्रकार को हैरेस किया गया, नेटवर्क ऑफ वुमेन मीडिया ने उसे सपोर्ट किया, तो तेलुगु मीडिया के साथ हम बात कर रहे हैं कि इसके बारे में वो भी डॉक्यूमेंट करें कि क्या चीज़ें हैं और फिर हम कैसे इसको बड़ा बनाए। तो ये सब प्रोसेस है जो शुरू हो गया है, पर इसका कॉन्शियसनेस तो है, इसका मतलब नहीं हम नहीं कह रहे कि अभी अकबर ने रिजाइन कर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं, तो आगे चलने वाला है, अकबर के आगे भी कहानी है। एग्जैक्टली, अभी तो शुरू ही हुआ है। मेरा सवाल ये आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर ये कह रहे हैं कि अभी तो मी टू का पहला स्टेप है तो नेमिंग एंड शेमिंग चल रहा है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने से कुछ नहीं होगा, पहले तो FIR आपको लॉन्च करना चाहिए और ये मामला कोर्ट में जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ये गंभीर मामला है। हाँ। और जो इसमें अक्यूज है उसको अगर सजा मिलनी है तो कोर्ट में चलना चाहिए, इसके बारे में आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि सब केसेस ऐसे हैं और उसकी उसका डिसीशन जो सर्वाइवर है जिसको ये हुआ है उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सब, आपको नहीं लगता सबको कोर्ट में जाना चाहिए? नहीं, उनका डिसीशन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम कोर्ट और इसमें फंस जाते हैं तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी जो हुआ है वो हमें हमें समझने को आ रहा है कि प्रॉब्लम कितना है और कितना वाइड स्प्रेड है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो लड़कियों को अभी ऐसी प्रॉब्लम है उनको हिम्मत मिलेगी कि हम प्रोसीड करें, या तो ICC के साथ अगर वो एम्प्लॉयमेंट में हो, अगर एम्प्लॉयमेंट ना हो ये बाहर हो उन्हें कहीं, तो फिर अब नेटवर्क बन रहा है जो कि उन्हें सपोर्ट करेगा कि वो अगर आके बात करें तो उनके वो अकेली नहीं है, उनके साथ अलग लोग हैं, बहुत लोग हैं। आई थिंक प्रॉब्लम पहले था कि जो महिला ऐसे सोचती थी वो सोचती थी मैं अकेली कैसे करूँगी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, लॉयर्स कहाँ से ढूंढूंगी, और पता है कि केसेस कितने साल चलते हैं। अभी एक हमारे नेटवर्क में एक महिला है रीना मुखर्जी करके, उसने जब वो स्टेट्समैन में थी न्यूज एडिटर ईशान जोशी के खिलाफ उसने फाइल किया था, ICC नहीं था वहाँ पे मैनेजमेंट के साथ, कुछ नहीं हुआ, उसने नौकरी छोड़ी, फ्रीलांस किया, फिर दूसरे पेपर्स के साथ फाइट किया, अभी इतने सालों के बाद डेफामेशन केस उसके भी खिलाफ किया था, उसने जीता है, पर 30 साल लगे, 30 साल के बाद जीता है। तो आपको लगता है कि कोर्ट में जाना आसान बात नहीं? बिल्कुल आसान नहीं है, तो जो रेकमेंड कर रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि कैसे जा सकते हैं लोग। तो आपको लगता है नेम शेम से होगा? नहीं, नेम शेम से आई डोंट थिंक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैं कह रही हूँ कि नेम शेम जो हुआ है ये सोशल मीडिया से वो बिगिनिंग है, जो कर रहे हैं उनको भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्यों कर रही हैं, और इससे हमें आगे बढ़ाना है, ये जिम्मेदारी हमारी है जो जिन्होंने नेम शेम किया है और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम सबको अभी देखना पड़ेगा इसे हम आगे कैसे ले जाएं। और ऐसे पीछे बैठ के हम नहीं कह सकते कि यही तरीका है, यही नहीं तरीका है, इसमें से कुछ लोग को कोर्ट जाना ही पड़ेगा, एक दो एग्जांपल्स बनने पड़ेंगे, पर मुश्किल है। अभी आरके पचौरी का देखिए अभी तक चल रहा है, कितना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ईमेल्स हैं, सब कुछ है, तभी भी चल रहा है। तो एक्चुअली इसमें कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट या कुछ होना चाहिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को डील करने के लिए, ऐसा कुछ कोर्ट बनाया जाए?
एक्चुअली मुझे ये फास्ट ट्रैक का भी बहुत यू नो आई डोंट हैव मच फेथ इन इट, क्योंकि रेप केसेस में भी फास्ट ट्रैक होता है, फिर वो अपील में जाता है, देन इट गोज ऑन फॉर एवर. सो लॉ ऑफ कोर्स लॉ होना चाहिए एंड इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, बट मुझे लगता है एक्चुअली एज फार एज मीडिया इज कंसर्न स्पेसिफिकली कि वी हैव टू फिगर आउट हाउ टू मेक आर न्यूज रूम्स जेंडर इक्वल एंड जेंडर सेंसिटिव. ये हमें जो हम सीनियर हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम जर्नलिस्ट को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये मैनेजमेंट की बात नहीं है. हम जो डे टू डे बेसिस पे यंग वुमेन एंड मेन के साथ डील करते हैं, हमें क्राइटेरिया ले डाउन करना चाहिए. तो ये वॉलंटरीली होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि ऐसे ही ठीक है, और अगर हम ऐसा न्यूज रूम क्रिएट करें तो बोथ मेन एंड वुमेन जर्नलिस्ट विल परफॉर्म बेटर, उनका काम अच्छा होगा. तो हमें अपने आप करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए, ये सब भी होना चाहिए, पर जिम्मेदारी सम पॉइंट वी हैव टू फेस अप टू द फैक्ट दैट वी आल्सो हैव टू प्ले अ पार्ट इन. हम दूसरे के पास ये जिम्मेदारी नहीं कि ब्लेमिंग कि सरकार को ये करना चाहिए, कोर्ट्स को ये करना चाहिए, इट्स वेरी इजी, शुरू हमसे होना चाहिए. हम सब ने कुछ नहीं करेंगे, सबका मिस्टेक है. दो और सवाल है, एक सवाल ये है कि ये अभी जो मीटू का चल रहा है तूफान, इसका कुछ लोग मिसयूज भी कर रहे हैं. जैसे कि एक स्क्रीन प्ले राइटर है या कॉमेडियन है वरुण ग्रोवर के साथ, हाँ. या जैसे कि वायर के एक संपादक है सिद्धार्थ भाटिया, हाँ. उनके साथ हुआ, उनके साफ है अने प्राइमा फेसी ही लगता है कि उनके ऊपर जो आरोप हुए, एक तो फेक हैंडल से हुए, हाँ. उन्होंने अपील किया वरुण ग्रोवर ने, तो हाँ. कोई सामने नहीं आया, नहीं आया. तो आपको क्या लगता है कि ये जो मिसयूज होता है या पर्सनल वेंडेटा के लिए, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में क्या कर सकते? सी वो तो होगा, आई मीन 498A जो कि प्रोविजन है, जो इसलिए बनाया गया क्योंकि डाउरी तब तक डील नहीं होता था, तो 498A से औरतों को पहले 7 साल में अगर उन्होंने टॉर्चर किया तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर वो जाके अपील कर सकते थे पुलिस को. उसका भी मिसयूज होता है, हमें पता है, पर मिसयूज आपको प्रोपोर्शनैलिटी देखनी पड़ेगी. हाँ, अगर 100 केसेस हैं उसमें से 2 में से मिसयूज हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि ये लॉ ठीक नहीं है. एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं. तो रेप के भी फॉल्स चार्जेस होते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि रेप्स नहीं होते, है ना. तो सेम थिंग विद दिस कि इट्स ट्रू कि कुछ लोग ऐसे यूज करेंगे एंड ये मोमेंट ट्राई करेंगे कि अभी ये है तो हम ट्राई करते हैं, पर एक्चुअली बहुत कम हुआ है, बहुत कम है. हाँ, ये 2 केसेस हमें पता है, इसके अलावा कोई नहीं आया है. और अदर इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो सोशल मीडिया पे जो महिला पत्रकार हैं उनको ट्रोलिंग, अगर वो बीजेपी या मोदी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको तो इतना पर्सनल अब्यूज मिलता है. इस बार ऐसे जो बीजेपी की ट्रोल्स हैं वो एकदम क्वाइट है, तो अकबर को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वैसे भी अकबर बीजेपी का आदमी नहीं है, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता. और आपने देखा आज राम माधव कह रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं मीटू मूवमेंट का. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो सोशल मीडिया हमने पॉजिटिव वे में यूज किया है मी टू का, उसका नेगेटिव अभी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुआ है, जैसे लोग फियर करते थे कि जो औरतें ऐसे बोलेंगी उनको ट्रोल किया जाएगा और अटैक करेंगे, क्योंकि आई थिंक मर्दों को भी थोड़ा थोड़ा ठसका लगा है, डर लगा है कि नेक्स्ट उनका नेम. मेरा अगला सवाल इसी के बारे में है कि बहुत सारे मर्द जो है वो डर रहे हैं, ये तो साफ है कि डर रहे हैं, ठीक है, डर कि एक दिन हमारे ऊपर भी ऐसा कुछ आरोप लगेगा, गलत आरोप लगेगा, सही आरोप लगेगा. तो ऐसे डरे हुए मर्दों को आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि देखो सदियों से औरतें डरी हुई हैं, तो ठीक है आपको भी जरा एक्सपीरियंस होने दो, थोड़ा सा आपको भी डरना चाहिए. लेकिन आपको लगता है कि ये जो अगर मूवमेंट बनेगा, इसका आंदोलन बनेगा, तो इसमें मर्दों को भी शरीक होना चाहिए? ऑफ कोर्स. और देखिए ये मी टू ये महिला का क्वेश्चन नहीं है, ये सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है. जेंडर इक्वालिटी इज अ जस्ट सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी इज वन वेयर कास्ट एंड क्लास एंड जेंडर हैव अ फेयर से. तो फेमिनिस्ट क्या कह रही है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें वुमेन को ऑल पावरफुल करना है और मर्दों को दबाना है. हम कह रहे हैं गिव अस एन इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड, treat us with respect, believe what we are saying, you know, we are citizens of this country, hame jo rights hain so constitution mein wo aapko bhi rights hain to humko kyun deny kar rahe hain, yehi keh rahi hai na mahila
तो ये चेंज आना चाहिए, ये सोसाइटी में चेंज आना है. उसलिए मैं कह रही हूँ कि फेमिनिज्म इज अ मूवमेंट टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी. मी टू इज अ पार्ट ऑफ दैट फेमिनिस्ट मूवमेंट. उसलिए मैं मी टू मूवमेंट नहीं कह रही, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट है. मी टू इज अ पार्ट ऑफ इट, इट्स अ मोमेंट इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट. कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. थैंक यू. थैंक यू.